जल्दी जल्दी। ओ आते ही जो है दोस्तों इतना बड़ा बेम्बू मिल जाए तो क्या ही चाहिए गाइस, आते ही मतलब इतना बड़ा बड़ा बेम्बू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस नए ब्लॉग पर। सो दोस्तों एक्चुअली सुबह सुबह बाल काट लिया था गाइस, इसलिए सुबह सुबह नहाने के लिए जाना पड़ रहा है। सुबह सुबह तो नहीं, 8 बज चुका है दोस्तों, तो सुबह सुबह बाल काट लिया था इसीलिए नहाने के लिए जाना पड़ रहा है गाइस। तो देख सकते हैं एक्चुअली पूरा मतलब छोटा कर लिया बाल, इतना लंबा लंबा बाल जो है दोस्तों मुझे पसंद नहीं था, इसीलिए मतलब छोटा छोटा करके जो है काटता हूँ। मैं जब भी बाल काटता हूँ इसीलिए छोटा छोटा करके काटता हूँ, मुझे लंबा लंबा बाल पसंद नहीं है गाइस, इसीलिए सुबह सुबह नहाने के लिए जा रहा हूँ बाल काटने के बाद। तो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। तो मेरे साथ जा रहा है काका जी, एक्चुअली मेरा काका जी लगता है गाइस, उम्र में भी बड़ा है और रिश्ते में भी बड़ा है गाइस, इसीलिए काका जी लगता है मेरा। तो काका जी बुलाता हूँ मैं उसको, तो चलते हैं अभी नहाते हैं गाइस और उसको बाद खाना खाएंगे, फिर जाएंगे हम लोग बेम्बू शूट ढूंढने के लिए। लास्ट है गाइस, आज लास्ट ढूंढने के लिए जाएंगे। और ये देख सकते हैं गाइस रास्ता नहीं है यार, बाप रे इतना खराब रास्ता, अरे यार गिर जाऊंगा, बाप रे बाप, ओ भाई गिर गया, बाप बाल बाल बच गया गाइस, इतना डेंजर रास्ता था। तो चलते हैं अभी गाइस नहाने के लिए। तो काका जी जो है पूरा मतलब आगे आगे जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा पानी हो गया है गाइस, देखो इतना ज़्यादा बारिश देता है तो पानी क्यों नहीं होगा गाइस, इसीलिए देखो इतना सारा हो गया है। अभी फटाफट से नहाया गाइस, अभी भी मेरा काका जी नहा रहा है तो मैं फटाफट से नहा लिया हूँ, उसके बाद उसको इंतजार कर रहा हूँ, फिर जाएंगे घर पे दो जन मिलके। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरा चैनल का नाम जो है काफ़ी भाई लोग जो है बोल रहे थे गाइस चेंज करो बोल रहे थे नाम, फाइनली गाइस चेंज कर लिया मेरा नाम, तो शिवा ऑर्गेनिक ब्लॉग्स नाम से सेव किया था गाइस। तो इसी से सर्च करके मिलेगा आप लोगों को, तो इसी से मतलब ढूंढ के मिलेगा, शिवा चकमा ब्लॉग सर्च करके नहीं मिलेगा गाइस, आप लोग आएगा लेकिन वो नाम नहीं है गाइस, ऑर्गेनिक शिवा ऑर्गेनिक ब्लॉग नाम रखा था। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। अभी काका जी को इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके बाद जाएंगे घर पे और ब्रेकफास्ट भी खाना पड़ेगा दोस्तों, सुबह में ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था तो आए हैं नहाने के लिए। और सुबह सुबह बाल को खा लिया हूँ, देख सकते हैं पूरा मतलब छोटा कर लिया हूँ गाइस, देख सकते हो। तो ये तो लंबा लंबा है लेकिन ये वाला जो है साइड वाला जो है छोटा छोटा कर लिया हूँ, ये भी छोटा छोटा है लेकिन देखो उतना लंबा नहीं है ना। तो कैसा लग रहा कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। घर पहुंच चुका हूं दोस्तों, अभी तक खाना रेडी नहीं हुआ है, तो रेडी तो हुआ है लेकिन अभी भी क्या पकाएगी मम्मी ये लास्ट में, बैंगन बैंगन। अच्छा तो ये होने के बाद हम लोग खाना खाएंगे दोस्तों, और खाना खाने के बाद जो है सब्जी ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा गाइस, हम लोगों को सब्जी नहीं है तो सब्जी जो है ख़त्म हो चुका है, सब्जी मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा होता है गाइस, इसीलिए आज ढूंढने के लिए जाएंगे हम लोग जंगल पर। तो काफ़ी दिन हो गया गाइस नहीं जा रहे थे, आप लोगों को एडवेंचर नहीं दिखा पा रहा था, तो आज एडवेंचर कर लेंगे गाइस जंगल पर। तो अभी रेडी होते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे सीधा हम लोग जंगल पर, ठीक है। सो दोस्तों निकल पा रहे हैं हम लोग खाना खाने के बाद, मैंने बोला था ना सुबह में बोला था हम लोग बेम्बू शूट ढूंढने के लिए जाएंगे बोल के, तो अभी निकल पा रहे हैं गाइस। तो एक्चुअली तो जंगली पार होके ही जाएंगे, नो उधर पे नो रखा है, तो हाथ तो है छला छला के जो है जाएंगे गाइस, मिशन तो है लेकिन हम लोगों को चलाना नहीं आता है गाइस, तो इसीलिए चला चला के जो है जाएंगे हाथ से, इसे देख ये देख सकते हैं हम लोग बोलते हैं फांगी गाइस, इसको मदद से जो है चला चला के जाएंगे हम लोग। टोटल हाथ टोटल जो है पांच जन जा रहे हैं गाइस, इधर पे तीन और हम लोग दो गाइस काकी के साथ पांच, तो टोटल पांच जन जा रहे हैं। तो ये कौन सा वाला है, ये वाला, अच्छा तो ये रहा गाइस नाव, इधर पे छोटा सा नाव, तो पांच जने के लिए हम लोग जाएंगे पांच जन, बहुत इतना ज़्यादा खींचर गाइस देखो, छोटा सा नाव है तो काम चल जाएगा थानू ये। निकल पा रहे हैं गाइस, देख सकते हैं इतना बड़ा तो जंगली बार हो चुका है, एक्चुअली बड़ा सा बारिश दे रहा था ना गाइस, तीन दिनों से लगातार बारिश दे रहा था इसलिए जो इतना ज़्यादा तो जंगली बार बड़ा हो चुका है गाइस, देख सकते हो। तो मशीन तो है लेकिन हम लोग मशीन के जरिए नहीं जा रहे हैं गाइस, हाथ में चला चला के जा रहे हैं, देख सकते हो। ये रहा बुच्चे, मेरा पुराना ब्लॉग देखते हो तो मालूम चलेगा गाइस, इसको छोटा था अभी कितना बड़ा हो गया है, तो चलाना आता है गाइस, देखो चलाना आता है, मुझे तो चलाना नहीं आता है गाइस इसी तरह, देख सकते हो। तो एक्चुअली थोजंगरी बार बहुत ज़्यादा डर लगता है गाइस मुझे, इतना बड़ा थोजंगरी बार हो चुका है देख सकते हो ना, इतना थोजंगरी बार बड़ा होने से भी ज़्यादा, तो आराम से जा पाएंगे। और ये रहा गाइस थोजंगरी बार, इतना सा उठ गया था लेकिन जब बड़ा सा थोजंगरी बार होता है ना गाइस, ये घर देख रहे हो ना, ये घर पूरा मतलब फ्लोट हो जाता है, देख सकते हो। अच्छे से चलाओ भाई, हमारा जान आपके हाथ में है, ठीक है। अच्छे से चलाओ, मुझे तो डर लगता है गाइस थोजंगरी बार ना। तो अभी चलते हैं गाइस, कितना टाइम तो लगेगा पता नहीं, तो हाथ में चला चला के तो जा रहे हैं, अगर मशीन में चला चला के जाते तो
जल्दी पहुंच जाते हैं। ये मशीन हाँ कौन नहीं, मुझे तो चलाना नहीं आता है मशीन, मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसीलिए इसी से होके जो है जाना पड़ रहा है गाइस। अगर मिडिल में जाएंगे तो चला नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा पानी बहाव जो है तेज है ना, इसीलिए पानी बहाव जो है तेज है, इसीलिए मतलब ऐसे होके जाना पड़ रहा है गाइस। ऐसे इधर पे जो है मतलब पानी बहाव जो है तेज नहीं है, इसीलिए इधर होके जाना पड़ रहा है गाइस। देखो इतना ज़्यादा पानी बहाव जो है बहुत ज़्यादा है ना, ये देखो मिडिल में बहुत, इतना तो जोंगरी बार बार होता है यार, डर लगता है गाइस। जब हम लोग शादी में गया था ना गाइस, तब इतना नहीं था पानी, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है गाइस, देख सकते हो। चलो चलो चलो, वो देख रहे हो ना गाइस, वो सबसे खतरनाक है, पानी बहाव जो है देख सकते हो कितना ज़्यादा है गाइस। देखो एक्चुअली इधर पे लोग भी मारता है गाइस, ठहरना नहीं आता है उन लोगों को, उन लोग जो है इधर पे मारते हैं, तो देख सकते हो गाइस पानी, बाप रे इतना ज़्यादा पानी बहाव, ओ माय गॉड, वो जल्दी जल्दी, ओह ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा पानी बहाव गाइस, ये सबसे खतरनाक है गाइस, ये सबसे खतरनाक है, लेकिन ऊपर में जो है इतना खतरनाक नहीं है, सबसे खतरनाक है गाइस। और अभी पहुंचने वाले हैं गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं है। और उधर पे देख सकते हो हमारा जो है ब्रिज, जो कि थलाबुंग देमागिरी में जाते हैं ना, इसी से जाते हैं गाइस। और थलाबुंग से आते ही ये पार होना पड़ता है गाइस, ये देख सकते हो ब्रिज, देख सकते हो ना। और इधर पे घर भी है गाइस, लेकिन जब बड़ा पानी होता है गाइस, ये घर पूरा मतलब डूब जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है यार हमारा तो जंगली बार, जब बारिश देता है तब, ओ माय गॉड, ये देखो गाइस ब्रिज, लेकिन खला बदल पूरा है गाइस, तो बारिश दे सकता है, तो बारिश देने से जो अच्छा हो जाएगा गाइस। ब्रिज जो है दोस्तों टूटेगा, टूटने के बाद जो उधर पे बनाएगा गाइस, एक्चुअली हाईवे बन रहा है ना, हाईवे बनने के बाद उधर पे बनेगा, और ये बात मतलब टूट जाएगा ब्रिज, तो एक्चुअली ये मिडिल का पार्ट देख रहे हो ना गाइस, ये मिडिल का जो है लकड़ी का है। अपना डिस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं गाइस, ये जो है तो जंगली बार है, और इधर पे जो है पानी घुस गया है गाइस, देख सकते हो, तो इसी होके जो है जाना पड़ेगा हम लोगों को, तो कितना गया है पता नहीं, तो आराम आराम से जाके देख लेते हैं गाइस, तो पैदल जो है जाने के लिए नहीं होगा, तो पैदल जो है जा नहीं सकता है गाइस, एक्चुअली पानी बहुत ज़्यादा हो गया है ना, इसीलिए देखो पानी पूरा मतलब घुस गया है अंदर में, तो कितना तक गया है पता नहीं। ओ ड्राइवर साहब बेटी मत पियो ना, हम लोग एक्सीडेंट हो जाएंगे तो सब लोग मर जाएंगे, हमारा जान आपके हाथ में है ना। तो चलो 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 उधर पे जा रहा है, तो अच्छे से चलाओ ना ड्राइवर साहब, तो देख सकते हो गाइस वो रहा तो जंगरी बार, ये रहा तो जंगरी बार का ब्रांच इधर पे घुस गया था गाइस, एक्चुअली ये छोटा नदी था लेकिन पानी घुस गया है, इतना ज़्यादा पानी घुस गया है यार, वाह पानी कितना ठंडा है, बहुत इतना ठंडा है गाइस पानी, वाह पहुंच चुके हैं गाइस। इधर पे जो है नाव को रख दिया है, तो बहुत ही पानी आगे गया है गाइस, ऊपर में भी गया है, लेकिन ऊपर में नहीं जाएंगे, इस पे जाएंगे गाइस, तो बहुत सारा बेम्बूस होता है यहाँ पे, अरे यार जाओ ना। तो चलो मैं लास्ट में आ जाऊँगा, ठीक है आप लोग जाओ। तो ये रहा गाइस, इधर पे जो है ढूंढेंगे हम लोग बेम्बू शूट, बहुत ज़्यादा बेम्बू शूट हुआ था, तो काफ़ी दिन हो गया था गाइस नहीं आ रहे थे बेम्बू शूट ढूंढने के लिए, तो आज आए हैं, तो आते ही जो है दोस्तों इतना बड़ा बेम्बू शूट मिल जाए तो क्या ही चाहिए गाइस, आते ही मतलब इतना बड़ा बड़ा बेम्बू शूट मिल गया था गाइस, पूरा देख सकते हो, ये देख सकते गाइस इतना सारा रखते हैं यहाँ पे, तो अभी जो है चिल्लना पड़ेगा दोस्तों एक एक करके, और इधर पे भी रख दिया हूँ, इधर पे भी रखते हो, बहुत सारा मिल रहा है गाइस, जगह अरे बारिश देगा ना गाइस, बहुत सारा मिलता है बेम्बू शूट जो है, इधर पे जो अवेलेबल हो चुका है गाइस, ये देख सकते हो, ये सबसे टेस्टी होता है गाइस, ये जो है देख सकते हो लाल लाल दिख रहे हो ना, ये सबसे टेस्टी होता है, तो एक एक करके जो है चिलना पड़ेगा, देखो दोस्तों इतना बड़ा बड़ा बेम्बू शूट ना, मैंने नहीं ढूंढा गाइस, सारा क्रेडिट जो है मेरा भाई को जाता है गाइस, मेरा भाई पूरा मतलब ये ढूंढा था गाइस, मैं एक भी नहीं ढूंढा अभी तक गाइस, पूरा मतलब मेरा भाई ढूंढा है, ये सब का क्रेडिट मेरा भाई को जाता है, तो एक एक करके चिलना पड़ेगा गाइस, ये देखो ना बहुत ही आसान है गाइस इसको चिलने में, देखो
ऐसे करना है और ऐसे, ये देखो खिल गया ना, ऐसे करना है ये देखो, और इधर पे रख देना है, बहुत सारा मिला है गाइस, ये देखो ये देखो बहुत ही अच्छा अच्छा है ना। इतना अच्छा अच्छा बेम्बू सूट गाइस कहीं पर भी नहीं मिलेगा, मिजोरम में मिलता है गाइस, इतना अच्छा अच्छा बेम्बू सूट। सारा बेम्बू सूट कथकुरी में रख दिया है गाइस और धोने के लिए जाना पड़ेगा और ऊपर में रिवर के जो है लेके जाएंगे गाइस, इधर पे नहीं भरा है अभी तक तो और धुलना पड़ेगा, 10 तो 11 तो ऐसा हो जाएगा गाइस, ऐसा धुलने हो जाएगा तो ऊपर में, ज़्यादा ऊपर में जाने के लिए ज़रूरत नहीं है गाइस, ऊपर में अवेलेबल है ना, तो ज़्यादा धुलने के लिए भी ज़रूरत नहीं होता है गाइस, तो अवेलेबल हो चुका है बेम्बू सूट जो है, तो ये चौथा नदी है गाइस और इससे साइड में जो है मिलता है बेम्बू सूट, तो ज़्यादा धुलने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो जंगल के अंदर में आ चुके हैं दोस्तों, एक एक को है दुनना पड़ रहा है, तो इधर पे एक दिख रहा है गाइस मुझे, तो एक्चुअली इतना ज़्यादा बेम्बू सूट दुनने का कारण यही है कि हम लोग ड्राई करेंगे गाइस, विंटर सीजन में जो है सब्जी की कमी होता है इसीलिए ड्राई करके रखते हैं और विंटर सीजन में खाते हैं गाइस, हम लोग चटनी बना के और सब्जी बना के खाते हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है गाइस। तो अभी तो दुनने के लिए आ चुका है इतना सारा बेम्बू सूट, तो एक टोकरी बाहर के लेके जाएंगे हम लोग गाइस, जब तक एक टोकरी नहीं मिलता तब तक नहीं जाएंगे गाइस हम लोग जंगल से। तो ये देख सकते हैं इधर पे ऐसे कटना है ऐसे, अरे निशाना चुक गया है देखो, जितना दुनना था इधर पे टोकरी में भर के रख दिया है गाइस, और खाकी लोग जो है अभी भी दुनने के लिए गया है, पता नहीं उन लोगों को क्यों नहीं हो रहा है, हम लोगों को तो हो गया गाइस ये देख सकते हो, और तीन लोग गया है ऊपर में, खाकी और बुच्चे और फिलहाल क्यों गया है गाइस ऊपर में देख सकते हो, तो हम लोग नहीं दुन देंगे गाइस, और हमारा तो बस हो गया गाइस, नहीं चाहिए और देख सकते हो एक टोकरी रख दिया है, और कितना चाहिए गाइस हम लोगों तो नहीं चाहिए, और देखो इतना सारा है अभी भी, तो नहीं चाहिए और नहीं ढूंढेंगे, तो खाकी जी लोगों को जो है इंतज़ार करेंगे उसके बाद जाएंगे घर पे, तो एक भी बचने वाला है गाइस देख सकते हो, इधर तक आ गया पानी लिटरली पूरा, मतलब कलर भी पूरा चेंज हो गया ना पानी, एक्चुअली ये छोटा नदी था गाइस लेकिन पानी ये तो जंगले पर आने के कारण पूरा भरा हो गया है। काफ़ी देर इंतज़ार करते करते जो है पहुंच चुके हैं दोस्तों काकी लोग जो है देख सकते हो, और वहां पर है बुच्चे, तो एक लकड़ी ले जाएगा बोल रहा था काकी जी, तो लेके आ दे रही है काकी जी के लिए, तो इतना सारा बेम्बू सूट ढूंढा था गाइस पूरा, मतलब इंतजार करते करते थक चुके हैं, एक बारह बजे गया था गाइस, अभी 2 बज चुका है, देखो दोस्तों साढ़े 2 बज चुका है, इतना ज़्यादा देर पानी भी इतना छोटा हो रहा है गाइस, तो जंगली बार छोटा होता है ना इसीलिए भी छोटा हो रहा है देख सकते हो, जाना पड़ेगा घर पे गाइस, ये छोटा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, नॉन लेके नहीं जा पाएंगे, तो जंगली बर के किनारे पहुंच चुके हैं दोस्तों, और खला बदल भी छाया हुआ है, तो बारिश भी दे रहा है गाइस, थोड़ा थोड़ा बारिश बूंद रहा है, तो जाना पड़ेगा गाइस घर पे, तो जल्दी पहुंच जाएंगे, चलाना नहीं पड़ रहा है अभी, बस जाना है नीचे में, तो पानी का तेज जो है बहुत ज़्यादा है गाइस इसीलिए जल्दी पहुँच जाएंगे, देख सकते हो कितना बड़ा हो चुका है पानी जो है, तो आते समय भी दिखाया अभी भी दिखा रहा हूँ गाइस देखो, तो ये वो रहा जो है दोस्तों खेत का घर, जो कि लोग भी रहता है गाइस लेकिन लोग नहीं है अभी, तो पता नहीं कब आएंगे, तो बैंगन की फेर भी देख रहा है गाइस मुझे, और उधर पे धान भी है, ये देखो गाइस वो हवा आ रहा है भाई बहुत, इतना तेज है गाइस पानी का बहाव जो है, बाप रे बाप भयंकर है। सो घर पे पहुंच चुके हैं दोस्तों, इधर पे जो है बेम्बू सूट को रख दिया है, तो ड्राई करना पड़ेगा सबसे पहले, तो बॉयल करना पड़ेगा ना दोस्तों, तो इसके साथ आज का ब्लॉग को यहाँ पर एंड करना चाहूँगा दोस्तों, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, मिलते हैं नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।